सिलेबस था, तो मैं ए टू सी की हूँ. आप लोग बैठो. Thank you.
आइएगा। हाँ अब है हॉस्टल, हॉस्टल क्या है भाई? आपका होना चाहिए भाई, आप जाओ सोसाइटी ले आओ। जहाँ ऑफिस है ना सर, ऑटो 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 खड़ा है ना, अरे वार्डन को यहाँ किसके लिए बायोमेट्रिक? बस स्टूडेंट के लिए, जो गर्ल्स रहते हैं। ये ऑफिस है कौन? वार्डन कौन है? वार्डन तो चौधरी सर। वो प्रोफेसर का एडिशनल है, ही इज अ प्रिंसिपल ऑफ वन ऑफ द कॉलेज, ही इज इंचार्ज ऑफ द वार्डन हमारे ऑफिस में। गर्ल या लेडी? ये 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 ही कर रही है। आप क्या नाम है? मैं हॉस्टल ऑफिस में रहता हूं। हॉस्टल ऑफिस में ऑफिस में ये किसका कमरा है? अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, अकाउंट सेक्शन। कितने रूम्स हैं इस हॉस्टल में? 110। आप क्या हैं? हर चीज प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ सर, ये हॉस्टल में नहीं बनवाया, मतलब कंस्ट्रक्शन। अच्छा, आप पीछे रुकिए सर, उसको पूछ लीजिए, आप आंसर मत दीजिए। कितने कितने बच्चे रहते हैं? कितने डॉर्म्स हैं आपके पास? फोर डॉर्म्स हैं, उसमें 12 बच्चे नहीं। लड़कियां तो ये कह रही थी जो कल हमने बातचीत की कि जो डॉम है उसमें 24 से 36 तक लड़कियां हैं। इम्पॉसिबल है, 12 लड़कियां और एक ग्रुप में 16 लड़कियां। क्या कागज दीजिए जिसमें ये कहा गया हो कि न्यूरो इंस्टीट्यूट स्टडीज का जो बड़ी इंस्टीट्यूट है उसके बच्चे भी यहाँ पे, क्या होंगे? कोई कागज ऐसा है? नेविल वाडिया जो बच्चियाँ एमबीए की, नेविल वाडिया का ऐसा कोई आपका ऑपरेटर कागज है जिसमें आप उन्होंने कमेटी ये कहा हो कितने सीटें रिजर्व हैं वाडिया इंस्टीट्यूट के लिए? ऑफिस में मिलेगा। अरे आप भाई, अब आप ऑफिस कहाँ जाएंगे? हम ऑफिस नहीं, हमारे के पास रुके ना, यू आर इंचार्ज ना? नहीं, ऑफिस इंचार्ज कौन है आपका? चिट्ठी आई होगी डॉक्टर के यहाँ से कि दीज आर द गर्ल्स एडमिटेड अंडर दिस स्कीम एंड यू आर डायरेक्टेड टू एडमिट देम इन योर हॉस्टल। ये लेटर आया होगा ना, लड़कियों की लिस्ट आई होगी ना? वो है लेकिन वही बोल रही ऑफिस में है। ऑफिस में बोल रही हूँ, और दूसरा जरा हमारे को दिखा दीजिए। कॉमन रूम, कैंटीन, टीवी, मूवी और सब होते हैं। मैं समझा है कॉमन रूम मतलब टीवी का, इसका आप बोल रहे हैं? आज जिसमें बच्चे बैठते हैं ना शाम को, अगर बैठना है आपने इधर रीडिंग रूम है, वही वही जो भी आप तुमच्या ज्या ज्या फैसिलिटी असतील ते सबको दिखा दीजिए। लिफ्ट में चलना पड़ेगा? कितनी मंजिल है? 7 फ्लोर है। 7 फ्लोर है नहीं, वो 12 वाले 16 की किस फ्लोर पे? तो वो दिखाइए पहले। ठीक, चाबी चलना है साथ किसमें चलना है? नहीं लेडी को क्या हो, चलो लेडी। कितने लोग बैठे? 8 पर 8 पर 8 तो नेवी में चाहिए ना?3 लड़की है लेकिन इसमें 12 है।
रूम क्वार्टर का अलग है। अच्छा, इसको कॉमन है, ये सबको कॉमन है, चार रूम को। रूम में अलग वो है, अलग हर इंडिविजुअल रूम में अलग टॉयलेट है। ऐसे है आपके पास तीन चार चार रूम है, अभी बारह वाले बारह वाले तीन और सोलह वाला एक। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, ऐसे बारह वाले तीन है आपके पास और सोलह वाला एक है। सोलह वाला कमरा बड़ा है इससे, थोड़ा सा बड़ा है, इसी फ्लोर में है, इसी फ्लोर में है। इनका तो देख लिया ना, वो देख लिया बस, एक दो तीन चार। अच्छा ये सोलह वाला है, ये सोलह थोड़ा सा बड़ा है सर इसलिए। हाँ नहीं तभी आएंगे ना ये बेड तो। आप इसकी क्या फीस है मैडम? बेटे आप कौन सी क्लास में हो? कितनी फीस है आपकी इसमें? सब कुछ है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर पूरा आपको बस 49,200 पर ईयर। हाँ एक साल। और फीस कितनी है कॉलेज की? और ये जो बच्चे रहते हैं ना इसमें जितने भी थोड़ा बच्चे, ये सारे एक ही क्लास के होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के? जैसे आप फर्स्ट ईयर के हैं, इसमें फर्स्ट ईयर के ही होंगे सारे या नहीं? सीनियर्स भी होंगे, कोई ऐसा तंग तो उनको नहीं करता है सीनियर? नहीं इसलिए वो रखते हैं ना फर्स्ट ईयर और वो अलग ही रखते हैं नॉर्मली के, ताकि सीनियर आदमी काम ना कराए हमसे, ऐसा कुछ नहीं। और कंप्लेंट तो नहीं आती है? कोई ऐसी है तो नहीं यहाँ हॉस्टल में? नहीं वैसे तो नहीं। चलो खाना आपने तीन लड़के तीन बच्चों का है जो अटैच बाथरूम है, छोड़ लो ना। हाँ सारे तीन बच्चों के भी अटैच हैं बाथरूम और दो भी, तो बस एक कमरा दो वाला एक कमरा तीन वाला। दो मिनट कपड़े हटा दें। नहीं इसमें कितने बच्चे हैं? दो दो इसमें दो। हाँ तो बस एक कमरा ये देखिए हमारे को, ये कितने हैं बच्चे? कपड़े थोड़े से ये कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे को नहीं ऐसा। ये जो खुला है कमरा ये भी खुला है? हाँ दो ही है, दो ही हैं। एक मिनट रुको, सो रहे हैं हमने फोटो खींच वीडियो बनानी है हमारा कोई है ना। रोशनी आप कौन सी क्लास में? जो एफ वाई बोलते हैं वो बी और बी कॉम वाले बोलेंगे, इंजीनियरिंग वाले नहीं बोलेंगे। आप भी यही रहते हैं? कौन से कमरे? कितने बच्चे रहते हैं? दो वाला कमरा। आपकी कितनी फीस है? है ना बस तो वो जो देखना है ना है कि नहीं है ये तो बोल रहे हैं। चल भी चल आइए आइए। उसमें भी 65 है अच्छा उसमें है कभी उन्होंने बच्चों ने ये ठीक है आप किसी का कॉलेज 8 बजे देगा, किसी का 9 बजे देगा, वो तो अलग है।
किचन का है, किचन ही वीडियो ये बन के सर किचन वालों को एंट्री अलग है। कोई वैल्यू है प्रिंट के अंदर जो है इसे कोई इसका कोई मतलब थोड़ी है भाई। हु हैव योर प्राइस डायरेक्टर चिट्ठी लिखी साहब ये लड़कियाँ जा रही हैं उनको आप एडमिट कीजिए। कोई चिट्ठी है एडमिशन फॉर्म मैडम वो जवानी एक शासन नहीं चलता है ताकि चलते इन्होंने आपको चिट्ठी लिखा होगा कि ये लड़कियाँ आपके यहाँ एडमिट की जा रही है हॉस्टल में है लेकिन उसका डॉक्यूमेंट सब है ऐसा हमको टभाव नहीं बात दो हमारा ग्रैंड हो लिया है इन्होंने कोई चिट्ठी आपको दिया है कि आप ये लड़कियों को हर साल ही घूमता होगा ये हर साल की चिट्ठी को दिखा दीजिए 500 चिट्ठी दिखा दीजिए। मैडम मैडम ऐसा है हम इसमें तैयार हैं कि इन्होंने आपको चिट्ठी लिखा होगा 5 साल से कि हमारी MBA की लड़कियाँ आपको 20, 30, 5, 6 आपको भेजी जा रही हैं अपने एडमिट की। वी आर कंसर्न ओनली 5 ईयर्स तो 5 साल उन्होंने चिट्ठी भेजा होगा आपको कि ये लड़कियाँ आपके यहाँ जा रही हैं इनको आप एडमिट कीजिए तो वो चिट्ठी हमको चाहिए 5 साल। तो कौन ये हुक्म किसने दिया आपको हर कॉलेज से कोटा तय किया हुआ है तो कहाँ वो कागज मैं चाह रहा हूँ असल कोटा आप लगा ये किसने निर्णय लिया कि ये हम जो है ये कोटा अलग अलग होगा अलग अलग कॉलेज का अलग अलग कोटा है कौन कमेटी है उसका कहीं मुहर होगी कहीं कागज होगा चाहे कि नहीं है कोई कोई भी है हमको 5 साल चिट्ठी दिखा दीजिए कि ये जो है इनकी जो है लड़कियाँ उन्होंने चिट्ठी भेजा होगा ना अपने यहाँ से हमारी लड़कियाँ जा रही हैं आप ट्रीटमेंट कीजिए हम कैसे मान लें इसको। सर मराठी बता दोस्तों सर विचारता है कि ह्या सीट्स ठरलेल्या आहेत काहीतरी तुमचं असेल काहीतरी पेपर कुणीतरी खाली सही केली असेल कोणी कमिटी झाली कोणी अथॉरिटी मिळेल कुणाचतरी सही असेल खाली ते झाल्यानंतर आम्ही सर हम ऐसा उसको रेकमेंड नाही करते हमारे से जिस लड़की का रिक्वेस्ट आता है सर मेरे को हॉस्टेल चाहिए उसको सिर्फ ओके वो दे दो हॉस्टेल ऐसा। सर ये खाला जी का घर नहीं है ये पूरी बने ये हॉस्टल है रूल्स एंड रेगुलेशन से हैं कोई ना कोई कमेटी चाहे हॉस्टल कमेटी हो चाहे जिसने हो ये इनको डायरेक्शन दिया होगा मैडम को कि हमारे यहाँ इस यूनिवर्सिटी की 5 लड़कियाँ इसमें 12 लड़कियाँ इसकी जो है 25 लड़कियाँ आपके यहाँ कोटा दिया जा रहा है और वो डायरेक्टर के कहने पर आप देंगी ये ना होगा वो कोटा अलाटमेंट कहाँ है मुहर कहाँ है चिट्ठी कहाँ है और इनकी चिट्ठी कहाँ है कुछ नहीं है ही नहीं है तो हम देख लिए ना वो पन्ना आगे देख लीजिए सर डिजिटल है डिजिटल है दूसरा भी है ना ये ठीक है ये लगा है ना ऐसा ना हो लगा कहीं इस पर चेक करने का इस पे मर्जी मैडम आप डॉक्टर हैं आपके यहाँ कोई भी स्टूडेंट आ रहा है लड़की या लड़का
कोई नॉमिनल 2 रुपया 5 रुपया पर्ची आप इशू करते नहीं करते कुछ भी नहीं टोटल फ्री टोटल फ्री उस लड़की का नाम किसी रजिस्टर में दर्ज किया जाता है सब कुछ ये रिकॉर्ड जो हमको 2013-14 के दिखाइए कि वो एमबीए की लड़कियाँ कौन सी आई हैं चलने से है ना अच्छा अदरवाइज 90 है ना okay. इतना तो आएगा ही ना इतने चल के नब्बे 135 है ना वैसे भी अभी तो ठीक है क्योंकि ये तो वेरिएशन रहेगा ही प्लस और माइनस शुक्ला जी आपने नहीं करना मैंने MBPG जो मैं आयरलैंड में BMS MD किया है अच्छा हां पुणे यूनिवर्सिटी से किया है ये स्टाफ का है सर और स्टूडेंट का ये आप भी फुल टाइम डॉक्टर हैं या आई एम रिसाइडिंग ओवर हियर सर फुल टाइम मैं 12 बजे यहां थी हाँ और बीच में यानी कि बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स यहाँ के जो है तो मैं यहाँ रिजाइन करती हूँ तो रेजिडेंस आपका यही अंदर तो 24 आवर ही होगा जब रेजिडेंस अंदर तो इन्फॉर्म करके मैं बाहर जाती हूँ कभी कभी चल वो तो और ठीक है ना नॉर्मल उसमें सिंस यू आर रेजिडिंग हियर यू बिलोंग टू पुणे यस माय हस्बैंड इज वर्किंग इन इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कूल अच्छा यहीं पे हाँ चल चलो आप इंजीनियर ये कवर हमारा गेट है इधर सर ये इंजीनियर कोई इसको अभी दिन में कौन होता है वो तो कभी आता होगा ना प्रिंसिपल ये क्या यहाँ पान खाते हैं लोग लड़कियों का आपने देखा होगा हॉस्टल वो एक रंग वो साफ है कितने बैठे हैं इसमें कितने बैठे आप कितने बच्चे रहते हैं इसमें क्या एक दो तीन चार इसमें चार वाला भी है वहाँ नहीं है चार वाला भी तीन वाला भी इधर नहीं वहाँ तो नहीं तीन वाला ही है उधर चार वाला है ही नहीं उधर चार वाला है ही नहीं आप कौन सी क्लास में हैं आप डिप्लोमा के हाँ सेकेंड हॉस्टल की कितनी फीस है आपकी हॉस्टल की 50,000 आपकी 50,000 वो सारा खाना खुना मिला के सब कहाँ के रहने वाले हैं लातूर लातूर के प्रॉपर लातूर के हाँ लातूर से यहाँ आ गए ये भी चार वाले हैं कितने बच्चे हैं आपके यहाँ कोई नहीं फोटो ऐसे ही कैच लेगा ये चार ही है अटैच बाथरूम है इसमें हाँ दो एक एक बाथरूम में अटैच अच्छा ये है इधर एक अटैच सफाई का कौन तीन वाला रूम उधर है वो आता है कि खुद करते हो नहीं आता है तीन वाला रूम उधर है वो साइड में चलो अभी कर रहे मैथ्स दे इनका भी बंद होगा ना बोलते हैं टोटल बच्चे कितने हैं इसमें टोटल 350 इसमें भी उतना ही 350 इनका नहीं सेम ही जो मेरे सामने देखा ना वो जस्ट इसके ऊपर है
वो गर्ल्स इधर से आती है वो मेज में और बॉयज इधर से सेकंड फ्लोर बराबर सेकंड फ्लोर से उधर से आते हैं अकेले ही हो या मैं अकेला ही हूँ सर एक ये सब पूरा हैंडल कर लेता हूँ मैं पूरा अच्छा एक ही आदमी यस यस आपके साथ कोई नहीं है नहीं मेरे साथ में टीम है ना प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन वो सब है टेक्निकल आदमी मैं हूँ मतलब अच्छा अकेले आप ही करते हो हाँ यस सर चलो चलो जी चलो काम क्या करेगा सब कर रहे बंद विदाउट एनी फॉर्म हाँ इधर से ही चल रहा है सर कैंपस को प्रोवाइड करने ये जी प्लस एट का स्ट्रक्चर है जी प्लस एट ग्राउंड प्लस एट दिस इज 1938 और ये सबसे नई है हाँ हमने ही बनाई 2009 ये मेरे को लगता हूँ मैं ना बच्चों ने वो बता रहे हैं ना यार बोल रहे हैं कि कंज्यूमर से वो विरोध सर वो दिखा दीजिए इस पॉइंट तक ऊपर से कितनी पाइपें आई हैं वो पाइप का पॉइंट दिखा दीजिए वहाँ जाने जरूरत नहीं यही दिखाइए कहाँ है ये चैम्बर से ये तो सीवर है ना ये हम जो कह रहे हैं उनको जो है वाटर हार्वेस्टिंग का पाइप दिखाइए उधर से कंसील्ड होके आए वो ठीक है आ गया वहाँ से नीचे आया तो नीचे ये कि वहाँ पर आकर करना चाहिए था और वो पाइप कल कोई मैं प्रॉब्लम आएगी तो आप कैसे आइडेंटिफाई कि यहाँ से पाइप गई है ये बिल्डिंग पाइप आई नहीं नीचे वहाँ एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कोई प्रॉब्लम आपने नहीं किया फिर वो पाइप जो यूज की वो जब तुम आते ढाई ढाई मीटर के दो रिंग है तो इसमें ही चल रहा था पानी इसमें से फिल्टर बेड से इधर आता है तो हुआ पर इसमें ये क्योंकि रेन वाटर ना अभी तो रेन नहीं है अरे यार रेन छोड़ तो इसमें ये कहाँ से कहाँ कचरा है इसमें गाली तो लगाई सर वही तो मैं लड़के लोग अभी परपजली योग करके उस दिन डाल दे रहे हैं परपजली कागज को मोड़ते हैं मोड़ कर गुजर क्या भाई साहब आपकी कमेंट अच्छी होती है हमारे इंजीनियर साहब बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दिया है आपने कमेटी में रद्द किया जो एक भी पाइप आपकी गिर नहीं रही है पानी कहाँ से आया है रेन चालू अरे हम आपके पाइप को देखना चाहते हैं पाइप है कहाँ ये ना सर ये फिल्टर बेड है फिल्टर बेड का ये पाइप है ना ये आया ये है ना सर खुला है इधर से पानी गिरता है ना सर और बीच ये रिंग को भी बीच बीच में बोल रहे थे ग्राउंड में जो पानी रिचार्ज होता है ना ग्राउंड को छोड़ दो ग्राउंड हमको तो छत वाली जो पाइप चाहिए थी वो तो जो कि नॉर्मल होता है हर घर में रहता है ऊपर तरफ से भाई वो छत में दिखा हाँ तो आपने किया वहाँ से नहीं जा रहे हम जा रहे हैं वहाँ आपके पास जो आपने नीचे है पानी जो गिरा उसको आप रिपीट बनाना चाहिए जैसे ये बना है आपने यहाँ बनाया वहाँ नहीं बनाया आपने
कैसे पता चला कि वहाँ का पानी यहाँ आ रहा है? पानी पहुँच रहा है छत पे, पानी वहाँ से आ रहा है, तो वहाँ तो आपको एक फीट देनी चाहिए थी। अभी पानी कहाँ का है ये आप कह रहे हैं? नेवल वाडिया कह रहे हैं, नेवल वाडिया पानी आ रहा है। ये नेवल वाडिया का पानी किस रूट से आ रहा है वो नहीं पता आपको? हाँ, अब आप खान बता दिया ना। चलो चलो दो काम करते हैं, एक बस और कुछ नहीं, उसका जो उनसे लड़के अटेंड किए ना, इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे वो कब के हैं? तो सर कभी भी नहीं है सर, हमारे लड़के कब जा रहे हैं वहाँ हमको उसको देखना है। रिजर्व दिस फैसिलिटी मीन फॉर डीवी है, दिखा दीजिए मंगा दी रजिस्टर। हम लड़के गए हो तो 5 साल का ठीक है के तो थामा Himachal Pradesh University, Himachal Pradesh. I would like to also welcome Dr. Hatbadal Shukla, Professor, Faculty of Commerce and Management Studies, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi. And Dr. H. R. Padia, Principal, A.K. Doshi Mahila College, Jamnagar. Life members of Modern Education Society, teaching and non-teaching staff of Neville Wadia Institute of Management, and dear students. We are here for the exit meeting of peer team visit of NAAC committee. Now I request Dr. Dadas to welcome guests with bouquet of flowers for this exit meeting. Dr. Sunil Gupta, Chairman, peer team visit. Oh!
Dr. Shukla, Member Coordinator, TFM Visit. And Dr. H. R. Padia, Member of TFM Visit. Now I request Dr. A.P. Dadas, Director of Neville Wadia Institute of Management Studies and Research, to take over. Please, sir. On behalf of Modern Education Societies, Neville Wadia Institute of Management Studies and Research, I would like to thank NAAC for giving me opportunity to host the NAAC PR team under the chairmanship of Dr. Sunil Gupta, former Vice Chancellor, Himachal Pradesh University, Shimla, PR team coordinator, Professor Dr. Shukla, Faculty of Commerce and Management, Mahatma Gandhi, Kashi Vidyapeeth, Varanasi, and member Dr. Padia, Principal, A.K. Doshi Mahila Mahavidyalaya, Jamnagar, Gujarat. Sir, your presence helped us a lot for the NAAC peer teams. All the stakeholders in this institute given us feedback, your interaction with them, they appreciated your knowledge and approach. Because of this feedback, all the students, institute, faculty members, and the myself as a director, we are very much thankful for your observations, and we consider these are the observations for our guidance for the... I learned lot of qualities from you, senior people, Dr. Gupta sir, Dr. Shukla, Dr. Padia, because how to motivate to the employees, how to get the real information from the employees, how to check the documents also, sometimes if the what type of documents you required and what type of documents we are providing, so specific documentation is required. So this is the NAAC process. We learn a lot of things. NAAC is a one time, the next time also we will go. And I am sure, sir, we will do better from this today because your guidance, we got the guidance. And specifically again, on behalf of all my staff, students and all these things, I sincerely thanks to all members of this NAAC PR team, and thanks all of you. Now I request Professor Sunil Gupta, sir, chairman of PR team visit, to take over. Director, Institute of Management Studies and Research, Dr. Anand, IQSE Coordinator for the NAAC peer team, Dr. Vikas, my fellow members of the team, Professor Shukla and Professor Padia, teaching faculty of the Institute, students of the institute, non-teaching staff of the institute, and I am seeing some persons from the outside also. So everyone who is here in the seminar hall, it is my privilege to be here on behalf of the NAAC to go in for accreditation of the institute. Now normally whatever
your director has said, that is always there, that in our life we learn a lot. When we go to an institute, we also learn something. And it is a first accreditation, so the process is such that one is to verify everything. And accreditation of the NAAC is nothing to make any critical evaluation. That is what you say that is to be validated on. If you say that my room is, say, 8 feet high, so we are only to validate whether it is 8 feet, 7.5 or 8.5. We don't have anything other to do. And I feel that the stress which was there on the director and other persons, that will be relieved just after this meeting, as it is a last part of the visit, that is the exit meeting. This is a very formal meeting indeed, and I am only to convey you certain observations, that what are the main weaknesses, what are the main strengths of the institution. Otherwise, I'll be giving a report to the director in a sealed cover after this. And once the result is declared, then they can go through and be going for making certain recommendations. And those recommendations are based on our observations. The only thing is that sometimes what we do, that we believe that we are from this family, so we have everything with us. You must remember that if your parents are in the Bollywood, they can launch you there, but you have to show your accent. Otherwise, what will happen? You will be out of the sea. So, whatever the name, because we are all from the management, and out of you, everyone has gone to the finance also, that goodwill pays to certain time. If you don't maintain that pace, then it goes down. And ultimately, that goodwill is being lost by the concerns. So this is an exercise of the NAAC, that we are going to provide quality education now, not the quantity education. When we were the students, the definition of the education was that our students should be educated, our children should be educated. That was the concept of the education. And for that purpose, we were doing graduation, post-graduation and other things. Now the concept has already been changed, and now the education means that we are to make our student employable. Why you have come to do MBA? So that you can become something in the future, whether you become an entrepreneur or you go in for a job, and for that purpose. And this is our first time that we have come to an institution where there is only one course for the NAAC accreditation. Otherwise, we generally go for the MBA accreditation under this MBA and management program. So your strength is that name is with you of the group. That is one strength. And the second is that infrastructure is with you. Then faculty is with you, and the retention of the faculty is also at a higher pace. But even if the retention is higher, but the faculty is to look into what is being required, because it is a postgraduate management, MBA is a postgraduate. In the undergraduate, we don't take into consideration. We know that the faculty will be lacking in the research. If you are in a graduate college, say BA, BSc, BCom, and now UGC has also given a relaxation for the promotions even, that they are not required to go in for the research. But when you are in the post-graduation or in the university or PG colleges, then it is expected that there must be a research, more research culture among the faculty. So on that count, you have to improve.
It has been told that so many persons are registered for the PhD, but registration doesn't matter. We have to see what is as on today. And the management is not there today, any representative I am not seeing. I have recommended in there is a management person that management should take into consideration that there shouldn't be any discrimination between the different institutions. You have five sister concerns in this campus, and from the record we have observed that there is a discrimination. If you are paying to one 100 rupees, to the other you are paying 80 rupees, and to the other you are paying 60 rupees, that amount, that there may be any reason for it, that one is your earning source and other is the loss proposition, but you have to compensate because they are in the same campus. You are showing the report of the sister concern, and when you go in for the brand, if I come here for my admission, I'll come with the brand. You say that student come as a brand. So faculty should also be taken into consideration to be the faculty of not only that this institute is our loss proposition, so we will pay them less, and this is a profit proposition, we will pay higher, that amounts to. Despite of that, you have the retention. I am not aware maybe what are the factors for this retention. But if this thing will happen, then the people will start going out of the institute. So you are also to take care. And secondly, the faculty is also to go in for research avenues to find out. Now you have 2FN12B recognition from 2017. Now what you will get if only 2 PhDs are there, 6, 7 are non-PhDs. So they can try for the minor projects. So that is to be taken care of. One, that area is very weak in your institute, that is the research area. And all of you know. Then the second area is that your office should know how to present the report. If you are asking, you were there with the management yesterday, I asked one question, that whether there is decentralization or not, what is the procedure? No practical exposure to the student, then this practical, and I hope that whatever the recommendations we have made, total I can't spell it out here, that will be taken care of so that you go ahead. This is not the end, because we say always that this is the beginning of the new cycle. And if you start working just 1 month prior to the second cycle, then ultimately what will happen without, by having everything in your hand, you are unable to show. Showcasing is a necessity. You have to prove everything. That if this is there, this is the evidence. This is there, this is the evidence. Otherwise, NAAC would have given you on the 100% on your SSR. So that's why they send the visiting team, so that verification of the data can be made. So before I close down, I on my own and on behalf of my fellow members is thankful to all of you for cooperation during these 2 days, because this process is a two-way process. So we went for the two-way process, and whatever we have done, that is known to everyone. We are very open for everything. We interacted with the students, we saw the hostel, everything we have almost seen, which was made available by the director, except we didn't go to the gym, because that is also a common facility. So since five institutes are there, so there is ought to be a gym. There is ought to be a doctor. And once again, I am thankful to all of you. So thank you very much, and all the best to all of you. Thank you. Now I will give the report to the director. Date.
You still have something to learn, and this will mean all your life. It is my pleasant and sincere gratitude to propose vote of thanks to Professor Sunil Gupta, Chairman of this PA team visit, Professor Shukla, Member Coordinator of this committee, and Professor H. R. Padia, Member of this committee. I sincerely thank for all your guidelines and insights. Certainly will learn from you on the path of excellence, sir. Thank you. Thank you for guiding and coming all the way, sir. I request all of you to please stand up for the national anthem. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Banga, Vindh, Himachal, Yamuna, Ganga, Utchala, Jaladi, Taranga, Tava Shubha Naame Jaage, Tava Shubha Aashish Maage, Gaaye Tava Jaya Gaatha, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय।